देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली के उपभोक्ताओं को बताना चाहूँगी कि दिल्ली के जिन जिन लोगों का ज़ीरो बिजली बिल आता है, उनका ज़ीरो बिजली बिल आता रहेगा, चाहे ये सरचार्ज बढ़े चाहे ये सरचार्ज घटे, ये उनकी सब्सिडी में शामिल है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज अगर दिल्ली जैसे शहर में भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहा है। PPAC यानी पावर परचेज अग्रीमेंट कॉस्ट, जो 10 साल के लिए फिक्स होती है, लेकिन चाहे DERC हो या चाहे देश भर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हो, वो हर कुछ महीने बाद इस पावर परचेज की कॉस्ट को असेस करती है और बिजली कंपनियों को उस हिसाब से 3 महीने के लिए सरचार्ज घटाना बढ़ाना अलाउ करती है। आज क्यों दाम बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से आज देश में कोयले का दाम महंगा हो गया है। आज भारत के 75 साल के इतिहास में पहली बार एक कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो गई है। उस कोयले की आर्टिफिशियल शॉर्टेज की वजह से कोयले का दाम बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने अब ज़बरदस्ती करी है कि कोई भी अगर कोयला खरीदेगा तो उन्हें 10% इम्पोर्टेड कोयला यूज़ करना पड़ेगा। इम्पोर्टेड कोयले की का दाम भारत के कोयले से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। अगर आप डोमेस्टिक कोल को यूज़ करिए तो वो तकरीबन 2000 रुपये टन का आता है, लेकिन अब जो फॉरेन कोल, इम्पोर्टेड कोल बिजली कंपनियों को यूज़ करना पड़ रहा है वो 25,000 रुपये टन आ रहा है। तो आज अगर बिजली के दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं। और हम तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो कोल इम्पोर्टर्स हैं उनकी केंद्र सरकार की उनकी साथ क्या साठगांठ है कि 10 गुना दाम पर वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि कोयला खरीदना पड़ रहा है। जिनके बिजली के दाम, उनके ये दाम बढ़ेंगे आप ये कह रही हैं, मतलब 200 यूनिट से ज़्यादा वालों का कितना असर पड़ेगा? मैम अगर इसको थोड़ा सा बता दें, समझना चाहिए आप इसी, तो लोगों के बिल पे कितना असर पड़ेगा यूनिट वाइज भी, ये थोड़ा बिल वाइज भी आप। तो देखिए, जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा, तो अगर 100 रुपये का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपये का बिल आएगा। और मैं फिर से दिल्ली के कंज्यूमर्स को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से, बढ़ते हुए कोयले के दामों की वजह से। और मैं ये पूछना चाहूँगी केंद्र सरकार से कि क्या आपकी कोल इम्पोर्टर्स के साथ कोई साठगांठ है जो आप 10 गुना महंगा कोयला किसी भी बिजली के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्लांट, जो भी कंपनी बिजली बना रही है, उनके साथ आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि उनको 10% कोयला महंगे दामों पर खरीदना होगा ही होगा। मैम, सरकार फ्री में बिजली देती है, ये 8% बढ़ने के बाद आपको कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा? देखिए, उसका तो कैलकुलेशन हम कर लेंगे। मैम, जो महंगा होगा सरकार उसको मैनेज कर सकती है कि लोगों पे ज़्यादा भार ना पड़े? देखिए, मैं तो केंद्र सरकार से पूछूंगी कि 75 साल में पहली बार कोयले का शॉर्टेज कैसे हो गया? देश में कोयले की कोई कमी नहीं है, भारत में कोयले की खदानों की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर प्रोडक्शन में शॉर्टेज होता है तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं है क्या? क्या ये ज़बरदस्ती कोयला इंपोर्ट करने के लिए नहीं है क्या? क्या ये कोयला इंपोर्टर्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है क्या? क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिसमें हर 3 महीने बिजली के दाम के अनुसार ये सरचार्ज बढ़ भी सकता है, ये सरचार्ज घट भी सकता है। अगर बिजली का दाम कम होता है तो हर 3 महीने में ये सरचार्ज जो कैलकुलेट होता है ये एक डे टू डे प्रोसेस से कैलकुलेट होता है, तो 3 महीने के लिए सरचार्ज बढ़ भी सकता है, सरचार्ज घट भी सकता है। मैम, एक और सवाल है, ज़्यादा देना पड़ेगा लोगों को, आप ये कह रही है? जी मैम, एक और सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पर लगातार हमला कर रही है, राहुल गांधी उससे नाराज है, जो 2024 में संभावित गठबंधन पंजाब और दिल्ली में होना था उसकी संभावना लगभग खत्म हो गई ऐसी खबर है, मैम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी से एक ही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या वो देश के संविधान के साथ है, क्या वो लोकतंत्र के साथ हैं, क्या वो संघीय ढांचे के साथ हैं, या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में चुनी हुई सरकार की ताकत ख़त्म करने के लिए लाए हैं वो गैर कानूनी हैं, वो गैर संवैधानिक हैं, वो संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देता है। तो अगर कांग्रेस उस ऑर्डिनेंस का विरोध नहीं करती है,
उसके विरोध में वोट नहीं डालती है तो पूरे देश को दिख जाएगा कि कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ नहीं है, लोकतंत्र के साथ नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।